कौन है इस पूरी दुनिया का। तो आप में से 100 लोग यदि हम बैठे हैं या 200, आप में 200 में से 200 लोग कहेंगे कि सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। क्यों अमेरिका ताकतवर है? क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी टेक्नोलॉजी है बेस्ट, वो अमेरिका के पास है। जो बेस्ट मोबाइल, सब लोग मोबाइल रखता है, बेस्ट मोबाइल वर्ल्ड का कौन बनाता है? तो आप लोग सब एक साथ कहेंगे कि एप्पल बनाता है। हम आपसे यदि आप कप्तान साहब कहेंगे आज एक अवार्ड बटेगा और एक को एप्पल मोबाइल देंगे और एक को किसी और का लेंगे, सब कहेगा साहब एप्पल ही हमको चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी है। बेस्ट क्यों हुई? क्योंकि उसने साइंटिफिक टेम्परामेंट से चीजों को सोचा। 8वीं से 12वीं शताब्दी में इतिहास में आता हूं। अब ये तो मैंने उपस्थित हमारे साथी अधिकारी उज्जवल जी, हमारे उत्तर प्रदेश काडर के बहुत से उत्साही नौजवान और बहुत ही कर्मठ प्रोमिसिंग IPS ऑफिसर, यहाँ के फिरोजाबाद के हमारे युवा कप्तान सौरभ, हमारे अन्य साथी SP सिटी और SP रूरल, SP सिटी साहब, और हम लोग काफ़ी समय लखनऊ में साथ साथ वहाँ की गलियों में बिताए, SP रूरल साहब, हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट यंग IAS ऑफिसर, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे इस जनपद के गणमान्य नागरिकगण, शहर के जिम्मेदार जितने नागरिकगण हैं, आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। हम इससे पहले भी फिरोजाबाद में मीटिंग किए थे, सिकोहाबाद में भी एक आध मीटिंग रणविजय ने कराई थी, शहर में भी रसूलपुर में एक आध मीटिंग हमने की थी। मीटिंग तो बेसिकली ये चुनाव और रमज़ान, जो पाक मुकद्दस हमारा महीना रमज़ान आने वाला है और महाशिवरात्रि, उसको लेकर के DM और SSP साहब ने बुलाई थी, लेकिन हमारा मीटिंग में आने का एक और उद्देश्य था, इसलिए मैंने कहा कि जब आप अगली मीटिंग बुलाएंगे तो मैं भी आऊँगा। कि जब, जैसा कि हमारे कलेक्टर साहब ने कहा कि 75 जिले की जब मीटिंग ख़त्म हुई, चुनाव को लेकर के लंबी मैराथन मीटिंग चली, तो फिर 21 जिले के कलेक्टर और DM को बुलाया गया, जिसमें ये दोनों भी थे। और वो जो मीटिंग बुलाई गई, वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई क्योंकि 21 जिले के लिस्ट में हमारा शहर फिरोजाबाद भी था, जहाँ पर कि ये संभावना हम लोग मानते हैं कि यहाँ भी के भी लोग फसादी और झगड़े वाले हैं, जो कि है नहीं। तो हमको यही शपथ लेनी है कि हमको इस शहर को, फिरोजाबाद से इस झगड़े और फसाद को दूर करना, इसी के लिए हम आए हैं। कि इतिहास नहीं, इतिहास तो जो होना था हो गया, 2019 की उस तारीख को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम जो यहाँ 100-200 लोग बैठे हुए हैं, मुअज्जिज लोग, हम इस बात को तय कर सकते हैं कि आज की तारीख में, भविष्य में, हम उस तारीख को 2019 की दिसंबर की उस तारीख को हम आने नहीं देंगे, इसको हम जरूर आज तय कर सकते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ आने का मकसद यही था। बाकी तो मीटिंग आप लोग सभी करते रहते हैं और उसमें आप लोग सारी बातें बोलते हैं। हासिम भाई ने जो एक बात कही, अब मैं बात वहीं से अपने लफ्ज को शुरू करता हूँ कि हम लोग हमेशा बात करते हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये वो, या इतिहास भी हमें बताता है, फिर मस्जिद और मंदिर उसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाले हम ही लोग, कोई और नहीं बनाता। और उसको हम क्यों बनाए? उसको हमने इसलिए बनाया कि वहां पर कोई आदमी को यदि रास्ता नहीं मिलता है तो वहां पर आकर आराम कर सके, दो रोटी किसी को वहां भोजन मिल सके। मस्जिद मंदिर बनाने का उद्देश्य यह है। मंदिर मस्जिद बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि वहां जो पुजारी हैं, वहां जो इमाम साहब हैं, वो कहें कि नहीं हम सबसे अच्छे हैं और दूसरे खराब हैं, उनका हम कत्ल कर दें, इसके लिए मंदिर मस्जिद नहीं है। और इसके लिए यदि मंदिर मस्जिद है तो इस पर हम सबको लानत है। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि हुजूर पाक ने खुद फरमाया, रसूल पाक ने कहा, जब लोगों ने कहा कि भाई फंडामेंटल्स क्या है इस्लाम का, तो फंडामेंटल्स जब रसूल पाक ने लोगों को फरमाया इस्लाम का फंडामेंटल्स, तो उसमें 5 चीजों पर उन्होंने जोर दिया, जो आज के लड़के कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन वीडियो सब बना रहेंगे, मैं किसी से पूछूंगा तो भाग जाएगा। मैंने यही लखनऊ में पूछा और मुजफ्फरनगर में एक भी बच्चा नहीं बता पाया। और वो भीड़ क्यों जमा थी? कि दरोगा ने जो है वो, उसने इस्लाम के खिलाफ कुछ कह दिया, इस पर वो भीड़ जमा थी। और मैंने जब कहा कि भाई बताओ तुम क्या है इस्लाम का फंडामेंटल, 5 चीज जिसको कि रसूल पाक ने बताया, कोई नहीं बताया। तो पहला, इस्लाम के लिए जो रसूल पाक ने बताया,
वो तौहीद बताया कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अलावा कोई नहीं। और उन्हीं के लिए रसूल ने फिर फरमाया क्या कि हम जो नमाज पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं? उन्हीं के लिए, उसी के याद में पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सर्वश्रेष्ठ, वो सर्व महान है, उसके अलावा कोई नहीं। ये दूसरी बात हम करते हैं, इसीलिए हम पांच बार नमाज पढ़ते हैं। तीसरा, आप अगला महीना आ रहा है पाक मुकद्दस महीना रमजान का, उसमें आप लोग अभी रोजा रखें। रोजा रखने का भी उसूल है। रोजा रखने का उसूल ये नहीं है कि दिन भर हमने पानी भी नहीं ली और रात में हम बस खाए जा रहे हैं, रात में हम उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं रोजा। हदीस में रसूल ने फरमाया रोजा का ही अर्थ नहीं है यदि हमने मौलाना साहब को गाली दे दी और उल्टे मौलाना साहब ने जवाब में हमको गाली दी तो इनको ज्यादा पाप लगेगा क्योंकि इन्होंने ये गलत किया। रोजा आंख से, रोजा मुंह से, जुबान से, रोजा सिर्फ इसलिए नहीं। मैं बात इसलिए इस बात की कहा कि हमारा जो दरोगा था, ये घटना सच्ची है, आपको कोई मौलाना 2016 के रमजान महीने में मुजफ्फरनगर की घटना है, जबकि ये बात जब लोगों ने मस्जिद से ऐलान कर दिया कि साहब पुलिस चौकी अब फूक जाएगी, तो मैं पहुंचा अपने लोग, मैं खुद पहुंचा और मैंने माइक लिया और मैंने बताया। और उसमें बात क्या थी, एक मुस्लिम लड़के ने किसी और को गोली मारी। दरोगा ने कहा कि यार रमजान का महीना है, इसमें तुम लोग दिन भर इबादत करते हो, रात में खामखा कहां तुम लड़ाई कर रहे हो। सिर्फ उसने इतनी बातें कही और उसने कुछ नहीं कही। और दरोगा जी से लड़ाई था, वो जमीयत के एक साहबजादे थे जुड़े हुए उससे, उनकी उससे लड़ाई थी। इस बात को उन्होंने मौका देखा और उन्होंने माइक से अनाउंस कर दिया कि भाई दरोगा ने तो एकदम ये कर दिया। मैंने पूरी जमीयत की मीटिंग में कहा, हमने कहा भाई दरोगा ने गलत क्या बोला, भाई आपको रमजान के इस पाक मुकद्दस महीने में कुरान का जो प्रकट हुआ, कुरान का मैनिफेस्टेशन हुआ, आपको इसको रोज एक पारा पढ़ना है, 30 दिन में खत्म करना है। आप दिन भर वो पढ़ते हो, रात में फिर उसके बारे में चर्चा करते हो, आप चले गए गोली मारने, तो दरोगा क्या कहेगा? दरोगा कहेगा भाई बहुत अच्छा कर दिया। और इसको आप कह रहे हो, इस्लाम इस छोटी चीज से नहीं है। चौथा चीज क्या है? चौथा चीज जकात। जहां मैं अब आया हासिम भाई की बात से, मंदिर और मस्जिद, तो जकात हम क्यों देते हैं? जकात के लिए भी रसूल ने फरमाया, जकात का भी कायदा है कि 100 रुपया हम कमाते हैं तो 250 रुपया देना है और किसको देना है। ये नहीं देना है कि मैं मर्सिडीज से घूम रहा हूं, मेरी खाला और फूफी खांसी कर रही है, इलाज के लिए उसको पैसे नहीं है और हम बड़े इमाम साहब को देखे, अरे भाई ये तो मकतब बड़ा है और करोड़ों रुपया दे दिए और हम मर्सिडीज से घूम रहे, मेरी खाला मेरी फूफी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, लानत है ऐसे जकात पर और लानत है उस पर, उसे दोजख मिलेगा, उसे कोई जन्नत नसीब नहीं होगी। आप लोग माफ करिएगा साहब, जितने भी मर्सिडीज से आप घूमने वाले हैं, ठीक है, मैं जो बात कह रहा हूं अपनी आत्मा की आवाज से कह रहा हूं, ठीक है, ना मैं कोई मौलवी हूं, ना मैं कोई मौलाना हूं, ना मैंने कोई डिग्री ली है किसी चीज। और पांचवा रोजा, पांचवा हज है, जो पहले बहुत कठिन होता था, ये चार चीज तो कोई भी कर सकता था, अब तो जहाज चलने लगे तो हज आसान। ये मैं फंडामेंटल्स बताया, इस पर किसी का किसी से कोई तकरार नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूं साइंटिफिक प्रोग्रेस की, कि कोई भी रिलीजन रहे, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, ईसाई रहे, कोई भी देश रहे, चाहे वो हिंदुस्तान रहे, चाइना से तुलना की हाशिम भाई, चाहे अमेरिका रहे, चाहे यूरोप रहे, वो देश तभी तरक्की करेगा जब उस देश के लोगों की सोच साइंटिफिक टेम्परामेंट की होगी, उसके बिना कोई